Thank you.
जल्दी जाना होता है वो आगे ही आगे क्यों नहीं बैठ जाते। सब कोई आत्माभिमानी बन गए। वाणी से परे हो गए। चार आत्मा ने सुना? अरे कौरव और पांडव सभी ने सुना और संजय तो वहां मौजूद ही नहीं था। संजय जिसको कहा गया है वो सम माने संपूर्ण और जय माने विजय। संपूर्ण विजय किसकी हुई है? अरे ऐसी कौन सी आत्मा है जिसकी संपूर्ण विजय होती है? नारायण। तो नारायण वाले शरीर में ही तो धतराष्ट्र प्रवेश करता है अंधा, वो तो एक ही हो गया। और आपस में बात है ना करो। बालाजी सबसे ऊंचा है या सबसे नीचा है? सबसे ऊंचा है ना, तो जो और बाकी है वो सब उसके नीचे बैठे हुए हैं या ऊपर बैठे हुए हैं? तो मेरा लो उसको प्रयास नहीं करना पड़ता। बालाजी नाम क्यों पड़ा है? एक तो बालक को कहा जाता है महात्मा और दूसरे वो ऐसी आत्मा है जिसका नाम संसार में बहुत बड़ा है और कोई का इतना नाम बालक नहीं है। इसलिए उसको बुजुर्ग की हाथ उठाना नहीं पड़ता, खुले हाथों देता है, लो जितना लेना चाहो ले लो। और देवताओं को ऐसे दिखाते हैं तो हाथ ऊपर उठाना पड़ा। ये बुजुर्ग की हाथ है कि ये हाथ है? है? और आत्माओं को बुजुर्ग की हाथ ऊपर उठाने में मेहनत लगती है। जब हम याद करते हैं आत्मा को ऊंची स्टेज में ले जाते हैं तो मेहनत लगती है या नहीं लगती है? और उसमें तो सुप्रीम सोल खुद ही प्रवेश है। तो अपनी आत्मा के स्टेज को धारण करने में तकलीफ होगी, मेहनत होगी या सहज होगा? Yeah.
में आया है यमुना के कंठे पर स्वर्ग होगा। सार्थक है एक है यमुना नदी और उसके अपोजिशन में दूसरी नदी कौन है? गंगा नदी। दोनों में खास अंतर क्या है? गंगा नदी भगवान के कनेक्शन में आकर के पवित्र बन जाती है, पतितों को भी पावन बनाती है, और यमुना नदी में वो क्षिप्त नहीं है। भगवान के कनेक्शन में आने के बावजूद भी और विचारणी बनती रहती है, औरों की बनती रहती है, उसकी जय अभिमान रूपी मिट्टी चिपकने वाली है, और गंगा की मिट्टी कितने भी शरीर पर ठोक लो और एक लोटा पानी डालो सारा सारा बह जाता। तो गंगा की जय अभिमानी मिट्टी और यमुना की जय अभिमानी की मिट्टी बहुत अंतर है। तो अब जो गंगा है ही स्वभाव से पवित्र रहने वाली, उसको पावन बनाने में मेहनत है बड़ी बात है, या यमुना को पावन बनाने में बड़ी बात है, पतितों को पावन बनाने में बड़ी बात है? इसलिए गंगा का कंठा नहीं गाया हुआ है, इसका कंठा गाया हुआ है यमुना के कंठे पर स्वर्ग बने तो भगवान की वाहवाही है, पवित्र को पवित्र बना लिया, ये कोई बड़ी बात? बड़ी बात है। और वसुदेव कुटुंबकम जो आत्मा अभिमानी बन जाता है वो किसी को घृणा की दृष्टि से और किसी को ऊंची दृष्टि से देखता है क्या? एक ही आत्मा की दृष्टि से देखेगा ना, तो 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जो भी सामने आ जाए, क्या इस फिल्म में मकोड़े जैसा पाठ बजाने वाला क्यों हो, चाहे चीजाम जैसा पार्ट बजाने वाला क्यों न हो, वो भी अगर सामने आ जाएगा ऐसा मनुष्य मात्र तो उसको भी किस दृष्टि से देखेगा? आत्मिक दृष्टि से देखेगा, माना अपने परिवार बाप का बच्चे के रूप से देखेगा या पराये रूप से देखेगा? तो वसुदैव कुटुंबकम नहीं हुआ है? इसलिए एक नारायण ही ऐसा है पात्र संसार में जिसकी दुनिया में कोई ग्लानी नहीं करता, क्या कीड़े मकोड़े जैसा पाठ बजाने वाली आत्माएं होंगी जो सदैव दुखी ही देती है, वो भी नारायण की बुराई नहीं करेंगी। शास्त्रों में कहीं भी नारायण की बुराई नहीं है, 33 करोड़ देवताओं में सार की बुराई है। अरे वो विष्णु दिखाया गया है या नारायण दिखाया गया है?
नारायण एक आत्मा का नाम है और विष्णु कई आत्माओं का कंपिनेशन है। और प्रश्न आया भगवान सच्चे प्यार के भूखे हैं, है के भूखे सच्चे प्यार के भूखे हैं, धन के भूखे नहीं है क्या? और कोई कहे तन के भूखे हैं वो बात भी नहीं है, क्योंकि भगवान जब आते हैं उनको जितना तन का भंडार मिलता है 16,000 का, उतना तो दुनिया में किसी को मिलता ही नहीं। तो ये भी नहीं कह सकते कि तन के भूखे हैं। तो न धन के भूखे न तन के भूखे, लेकिन परीक्षा जरूर लेते हैं। क्या क्या परीक्षा लेते हैं? जो प्यार करने वाला होगा वो अपने तन की भी परवाह नहीं करेगा और धन की भी परवाह नहीं करेगा। ये परीक्षा तो लेगा ना कि नहीं लेगा? बिना परीक्षा के कोई पास हो जाएगा क्या? इसलिए मुरली में बोला है तन भी पूरा अर्पण करना पड़ेगा। पूरा का मतलब क्या? एड़ी से लेकर के चोटी तक के जो भी अंग हैं, ये नहीं कह सकते कि सारा तन अर्पण कर दिया नाक छोड़ दो। अगर नाक छोड़ दी जाए तो पूरा तन अर्पण किया कहा जाएगा? नहीं, तन भी पूरा अर्पण करना पड़ेगा और धन भी। कोई के पास 10 रुपए हैं और 10 रुपए में से 8 आने बचा के रख ले, 9.5 रुपए अर्पण कर दिए, तो धन पूरा अर्पण कर दिया क्या? नहीं कहा जा सकता। तन भी पूरा अर्पण और धन भी पूरा अर्पण, इसलिए कहा जाता है जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। तन की पूरी पावर अगर ईश्वर में लगा दी, ईश्वर के कार्य में लगा दी, ईश्वर की मत के अनुसार लगा दी, तो मन कहां जाएगा? कन्या है, कन्या का किसी व्यक्ति से प्यार हो जाता है, तन का लगाव हो जाता है, आंख से देखती है तो लगाव होता है ना। चलो प्रैक्टिकल में न देखे तो देख लेती है, तो बुद्धि जाती है या नहीं जाती? तो मुझे लगाव है वो अर्पण करा दी है। जितना तन अर्पण करेंगे और जितना धन अर्पण करेंगे उतना मन जरूर जागेगा। कोई करोड़पति अरबपति है, अरबों रुपया करोड़ रुपया अपना सारा किसी कारखाने में लगा दिया और खुद चला जाए विदेश में, बुद्धि कहां जाएगी? है कारखाने मिल जाएगी। ये नियम है, जहां हमारा तन होगा
वहाँ हमारा मन होगा, और जहाँ हमारा धन होगा, क्योंकि धन भी तन से ही कमाया जाता है, वहाँ हमारा मन होगा। तो प्यार के भूखे तो है भगवान, लेकिन कोई छूटा छूटा कहे कि भगवान को प्यार चाहिए या तन चाहिए या धन चाहिए, है? प्यार तो चाहिए, लेकिन सच्चे प्यार की पहचान क्या है? पता कैसे लगेगा कि सच्चा प्यार है? संपूर्ण अर्पण, सब कुछ मेरा, कुछ नहीं, कुछ नहीं मेरा। और शिवलिंग के ऊपर पांच सिरों वाला सांप दिखाते हैं, है? अनंतन ऊंचे से ऊंचा है। हाँ जी, वो रक्षा का ही रूप में दिखाया गया है, वो रक्षा कर रहा है, जैसे विष्णु के ऊपर क्या दिखाया है, सर्प दिखाई गई, तो वो नीचे नहीं है, वो छत के मुआवजे से रक्षा कर रहे हैं। आंधी पानी बरसात से जो भिखारी रहे हैं, दुनिया को दुख देने वाले रहे हैं, वो रक्षक बन जाते। जो भटक रहे हैं, वो भटक भी भगवान के रक्षक बन जाते हैं, भगवान के पार्टी। और है शिवलिंग को अभिषेक करते हैं और हमारा दूध दही वगैरह डालते हैं। शिवलिंग किसे कहा जाता है, अगर ये पहचान लें तो इसका अर्थ भी जान लें। शिवलिंग क्या है, है? शिवलिंग है, लिंग माने निशान, शिवलिंग है जिसमें वो बिंदु प्रवेश करता है। लिंग को बिंदु कहेंगे नहीं कहेंगे? लिंग वो है बड़ा रूप, जिस बड़े रूप में वो छोटे से छोटा अंग से अनुरूप भगवान प्रवेश करता है। वो लिंग रूप से क्यों दिखाया है, इसलिए दिखाया है कि वो लिंग रूप में निराकारी की तेज को धारण करता है। इंद्रियां जैसे कि है ही नहीं, लिंग में इंद्रियां, टांगे, हाथ, नाक, आंख, कान, पांव दिखाते हैं क्या? नहीं, नहीं दिखाते। ऐसी स्मृति स्वरूप बन जाता है कि इंद्रियां जैसे होते हुए भी नहीं है, उसको कहते हैं लिंग। और वो लिंग इस आत्मा की यादगार है, इस आत्मा के पाइप की यादगार है, है? राम वाली आत्मा के अंतिम जन्म के पाइप की यादगार है, प्रजापिता की यादगार है। वो प्रजापिता वाली आत्मा
जब बेसिक ज्ञान में आती है तो जो बीके वाले हैं वो एडवांस वालों के मुकाबले अभी भगत हैं या ज्ञानी हैं? है? क्या है? भगत है। तो जब राम वाली या प्रजापिता वाली आत्मा जब बेसिक ज्ञान में आती है तो वो भक्त आत्माएं उसके ऊपर जल चढ़ाती है। जल माना ज्ञान जल चढ़ाती है, जैसे सूर्य के ऊपर लोग जल चढ़ाते हैं। ऐसे ही लिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, गड़ा रख देते हैं, बुजुर्ग की गड़ा ही अर्पण करके रख देते हैं। कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है कि लिंग को स्नान कराते हैं। ज्ञान स्नान है या सूर्य स्नान है? ज्ञान स्नान की बात है। और अनिश्चय पत्र बार बार लिखते हैं, घर चले जाते हैं और फिर बार बार आकर के निश्चय पत्र लिखते हैं, माफीनामा लिखते हैं, तो क्या उनको बार बार माफ किया जाता रहेगा? क्या ये अनिश्चय पत्र की बात हो? चाहे समर्पण पत्र की बात हो, चाहे पोता मिल की बात हो, पोता मिल लिख करके दिया जाता है तो पहली बार जो पोता मिल लिख करके देगा उसको माफ करना पड़े या नहीं? है? पहली बार माफ, दूसरी बार भी माफ, तीसरी बार माफ नहीं होता है, फिर भी कोई हिज्जत करते हैं तो रामदेव बाप है तीसरी बार भी कर देता है, लेकिन अंतर पड़ जाता है। पहली बार जो माफी लेता है और दूसरी बार माफी लेता है तो पहली बार 100% माफ होता है। क्या दूसरी बार भी 100% माफ होगा? नहीं होगा, कुछ न कुछ माफी में कटौती हो जाएगी। ऐसे ही जितनी बार दोहराता रहेगा कटौती होती जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा माफी ही मिलती रहेगी, धर्मराज की सजाओं से बच जाएंगे, क्या पाप कर्म विकर्म करते रहो, पोता में लिख करके देते रहो और माफ होता रहे, फिर धर्मराज का कंका तो कट जाएगा, धर्मराज काम आएगा? अरे धर्मराज का फिर कोई काम रह जाएगा कि नहीं? और तो ऐसे तो सारे लिख लिख करके देते रहेंगे, ऐसे नहीं है। और
हाँ जी लंबा लंबा मतलब क्यों जो और करोड़ क्यों रहेंगे, एटम बम फटेंगे, भूकंप आएंगे, तो क्या एक ही बार भूकंप आएगा किसी में मरते रहेंगे कि बार बार भूकंप आएंगे? बार बार आएंगे तो शरीर छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? छोड़ेंगे। तो ऐसे नहीं कि एक ही बार भूकंप होगा, एक ही बार में सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे होता रहेगा। बहुत बड़ी दुनिया है, हाँ जी सचिव में कोई हिस्ट्री होगी, सचिव में कोई किसी तारीख होगी, किसी तारीख और दिन कब बनाया जाता है, समय की काउंटिंग कब होती है, दिन कब गिने जाते हैं, दुख में या सुख में? सुख में दिन गिनते हैं, टाइम देखते हैं, सत्य में तो सुख ही सुख है, वहां दिन गिनने की बात ही नहीं, सवारी खाद कुछ होता ही नहीं। ये संगम युग की बात है, संबत एक 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 सत्युग में कोई नहीं सवारी होगी, कोई दिन नहीं गिनेगा। दुनिया में जब अति का संकट गिरता है, दुखों के पहाड़ गिरते हैं, तो समय को एक एक दिन के करके गिनेंगे या जल्दी जल्दी पास होगा? है एक एक दिन करके गिनेंगे लोग, एक तरफ होगी हाहाकार और दूसरी तरफ होगी जय जयकार। किनको सुख होगा और किनको दुख होगा? जय जयकार करने वालों को दुख होगा या हाहाकार करने वालों को दुख होगा? हाहाकार करने वाले दिन गिनेंगे और जय जयकार करने वालों को टाइम जल्दी जल्दी पास होगा हमारी खुशी की। कौन रहेगा एडवांस? एडवांस में अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे हैं या नहीं है? महाभारत खुद देखा जा रहा है आज, तो बुद्धि भी कहाँ चलती है ज्यादा है? तो देखते हैं उसमें बुद्धि खूब चलती है। प्रश्न आया है रथी महारथी पदरथी, वैसे ही अधिरथ नाम है, उसका अर्थ क्या है? क्या
जैसे आत्मा आत्मज्ञान, फिर कहते हैं अध्यात्म ज्ञान, कैसा ज्ञान? अध्यात्म। आत्मा और अध्यात्म, आत्मा के अंदर का ज्ञान, अध्यात्म न शरीर के अंदर का नहीं। शरीर के अंदर का ज्ञान तो आज वैज्ञानिकों को है, नशे नशे सब अलग कर देते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान उनको नहीं है। और आत्मा जो सूक्ष्म ज्योति बिंदु अणु रूप है, उस छोटे से रिकॉर्ड में जन्म जन्मांतर का पार्ट भरा हुआ है। उस पार्ट का ज्ञान हो जाना माना अध्यात्म ज्ञान। क्या? आत्मा के अनेक जन्मों के आदि मध्यंत का ज्ञान हो गया, कम से कम अपनी आत्मा और अपने बाप के, तो कहेंगे अध्यात्म ज्ञान। ऐसे ही अभिरत, क्या रथ नहीं अभिरथ, माना रथ के अंदर, जो धृतराष्ट्र थे उनके दो सारथी थे रथ चलाने वाले, एक पुराना और एक नया। पुराने का नाम क्या था? पुराना जो रथ चलाने वाला था उसका नाम क्या था? अरे महाभारत के दो सारथी थे ना, धृतराष्ट्र के रथ हाँकने वाले है? नहीं, वो तो नया संजय बाद में आया या पहले था? है संजय तो बाद में आया, पहले कौन था? है आधी रथ, क्या वो रथ के अंदर का ज्ञान था उसमें। जो अंधे धृतराष्ट्र होते हैं आज की दुनिया के, जो अंधे हैं वो किस बात के अंधे? उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं, माने देह भान बहुत है, देह और देह के संबंधियों का भान बहुत है, अपना कल्याण ज्यादा चाहते हैं, रथ का कल्याण, रथ के संबंधियों का कल्याण, आत्मा का कल्याण की बात उनकी बुद्धि में नहीं आती। इसलिए उस पुराने रथ हाँकने वाले का नाम दिया है अधिरथ। आज की दुनिया को जो बड़े बड़े शासक हैं दुनिया के, वो ज्यादा बुद्धिमान है या उनके शरीर रूपी रथों को हाँकने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं? ये जो सब शरीर हैं इस दुनिया के, पुरानी दुनिया के, इन शरीरों को वैज्ञानिकों की दवाइयां चला रही हैं या आत्मशक्ति चला रही है? कौन चला रहा है अभी? तो जिनके शरीर को अधिरथ चला रहा है, जिन्होंने आधार ले लिया है वैज्ञानिकों की बुद्धि पर कि ये ही सबसे श्रेष्ठ है, उनको ज्यादा महत्व देते हैं, उनसे ज्यादा प्रभावित है। आज दुनिया वैज्ञानिकों से ज्यादा प्रभावित है
या आत्मज्ञान देने वालों से ज्यादा प्रभावित है? जिनको रथ का ज्यादा ज्ञान है, रथ के अंदर की बातों को बहुत जानकारी है, ऐसे वैज्ञानिकों का प्रभाव दुनिया में बहुत है। और जिनके ऊपर उनका ज्यादा प्रभाव है वो सब अंधे। धृतराष्ट्र की औलाद अंधे की औलाद अंधे, उनके रथ को कौन आ करे? अंधे रथ। बाद में उनको पता चलता है संजय का, और भारत में वैज्ञानिकों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं दुनिया लोग, या आध्यात्मिक ज्ञान देने वालों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं? अभी क्या है, अभी दुनिया वाले अंधे हैं या सोधरे हैं? जो वैज्ञानिकों की बातों को ज्यादा महत्व देते हैं, या जो अध्यात्म ज्ञान सुनाने वाला भगवान आया उसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं? उन्होंने सारथी किसको बनाया है? दुनिया वालों ने सारथी किसको बनाया है? अब बच्चा खिला लिया, ध्यान सुनो, अब सुन लिया, सुन लिया, अब बच्चे को बाहर ले जाके खिलाओ। प्रश्न आया है सीढ़ी के चित्र में द्वापर के आज में सीढ़ियां कटी हुई, सीढ़ियों के अंतिम तीन जन्म है वो कटे हुए दिखाए गए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अंतिम तीन जन्मों में जो राजा बनते हैं उनका पद मान मतवा कट जाता है या संपूर्ण मान मतवा रहता है? कट जाता है। वो कौन सी आत्मा है? है? वो अंतिम तीन जन्मों में जो श्रेता के तीन जन्म अंतिम दिखाए गए हैं कटे हुए, उनमें राजा कौन बनते हैं? रामलिया तो बनते हैं। रामलिया आत्मा 12-13 जन्मों में से पहले जन्म में राजा बनती है, ये अंतिम जन्मों में बनती है? है? पहले जन्म में बनती है, अंतिम जन्मों में कौन बनते हैं? जो छोटे तीन भाई है ना, भरत, इस्लाम धर्म का बीज, लक्ष्मण, बौद्ध धर्म का बीज, और शत्रुघ्न, क्रिश्चियन धर्म का बीज, ये तीन की राजाई कट जाती है। सुखों का जो वर्षा है वो कट होता रहता है, इसलिए ये अंतिम सीढ़ियां कटी हुई दिखाई गई। दो प्रश्न एक साथ आए, गुणों का दान कैसे करना है? प्रैक्टिकल जीवन में गुण धारण किए होंगे तब ही दान करेंगे, या गुण धारण ही नहीं किए होंगे
समाधान करेंगे है? जिन्होंने धारण किए होंगे प्रैक्टिकल जीवन में वो दान भी पता ही करता रहेगा। अगर खुद ही धारणा नहीं है, अवगुणों की धारणा है, तो क्या दान करेगा? तो कैसे गुण दान करना है इसका जवाब क्या हुआ? कैसे का जवाब क्या हुआ? गुण दान कैसे करना है? गुणों को धारण करना है प्रैक्टिकल जीवन में खुद धारण करेंगे तो दूसरों को अपने आप ऑटोमेटिक दान होता रहेगा। खुद ही धारण नहीं करेंगे ज्ञान रत्नों को, गुण रत्नों को, तो दूसरों को देने का सवाल नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, सच लाइट कैसे देना? अरे कहीं सर्कस सर्कस देखा है कि नहीं किसी? जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि जहाँ जहाँ सर्कस लगता है शहर में, गांव में, कस्बे में, तो ऊपर एक लाइट दिखाते हैं जो चारों ओर घूमती रहती है रात में। ऐसे ही समंदर के किनारे जो बड़े बड़े जहाज आकर के रुकते हैं कोई कोई शहरों में, तो वहां भी ऐसी सर्च लाइट होती है कि समंदर में दूर दूर तक वो लाइट घूमती रहती है। तो सर्च लाइट कहते हैं कि जो भी जहाज है उनको पता लग जाए कि हमारा ये ठिकाना आ गया। ऐसे एरोड्रोम जहां बने होते हैं वहां भी सर्च लाइट दिखाते हैं उड़ने वाले एरोप्लेन को। वो है स्कूल सर्च लाइट है, और हमारे पास कौन सी सर्च लाइट है? आत्मा की सूक्ष्म सर्च लाइट है। वो भी चीजी टॉर्च के मुआफिक स्कूल सर्च लाइट घूमती रहती है, और हमारी भी टॉर्च के मुआफिक चीजी सर्च लाइट है आत्मा की रोशनी। इतनी आत्मा पावरफुल बनी हुई होगी उतना जास्ती कॉन्सेंट्रेट होकर के कोई भी आत्मा को सर्च लाइट दे सकती है दूर बैठे। एक साथ अनेकों आत्माओं के झुंड को सर्च लाइट दे सकती है। बात की याद में बैठे और आत्मिक स्थिति में बैठे और देहभान न आने पाए। अगर बीच बीच में देहभान आता है, देहभान के संकल्प आते हैं, बिंदु आत्मा की याद टूटती है, तो सर्च लाइट भी टूट जाएगी। अपन को आत्मा समझ बाप के साथ कोई को भी याद की लाइट दे सकती है। जो याद की लाइट है जिनका देने का अभ्यास होगा, भले अकेले अमृत वेले बैठे हुए कोई भी नहीं है,
तो उनके नेत्र एक तक हो जाएंगे याद में। नेत्रों के पलकों का झपकना भी क्या होगा, बंद हो जाएगी, अनुभव करेंगे इंद्रियों से जैसे उपराम होते जा रहे हैं। इंद्रियों का आकर्षण नहीं खींचेगा, वो आत्मा का आकर्षण है, वो दूसरी आत्माओं को खींचेगा।